Hello dear students, welcome to Rajni ma'am's English class. So dear students, in this class we are going to discuss English worksheet number 22 and this is for 8th standard for 4th October 2021. So happy October to each and every student. Today in this worksheet we shall understand an important aspect of the grammar, that is verb. Verb jise aap Hindi mein क्रिया कहते हैं. क्रिया के बारे में आपने अपनी छोटी क्लासेस में, इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें आपने अक्सर वर्ब्स के बारे में पढ़ा है. क्रिया जिसे आप कई बार, जब आपकी क्लासेस छोटी थी उसे आप डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स भी कहते थे. याद है सभी को? गुड. अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लेना चाहें तो डेफिनेशन क्या है? वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, करने वाले शब्द. आपके और अगर प्रीवियस प्राइमरी की क्लासेस में जाएं तो वहां पर इनको कहा जाता था एक्शन वर्ड्स, जिसमें कुछ करने की क्रिया पाई जाती है, जिसमें कुछ काम होता है. द वर्ब रिप्रेजेंट द एक्शन और द स्टेट ऑफ द थिंग. वर्ब क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या प्रदर्शित करती है, कि क्या काम किया जा रहा है या फिर कोई चीज किस अवस्था में है. फॉर एग्जाम्पल, यहां देखिए, यहां दिया हुआ है रीमा टीचर्स मैथ्स. रीमा मैथ्स पढ़ाती है. अब क्या काम किया जा रहा है? मैथ्स का काम नहीं किया जा रहा, मैथ्स को पढ़ाने का काम किया जा रहा है. तो वर्ब क्या हो गई यहां पे हमारी? वर्ब हो गई यहां पर हमारी टीचर्स. क्या वर्ब हो गई? टीचर्स. अब यहां पर नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दिया हुआ है डोरा इज राइटिंग अ नॉवल अबाउट फॉरेस्ट लाइफ. फॉरेस्ट लाइफ मतलब जंगल की जीवन, जंगल का जो जीवन है उस पर वो एक नॉवल को क्या कर रही है? लिख रही है. सो व्हाट विल बी द वर्ब इन दिस सेंटेंस? वर्ब विल बी राइटिंग. लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें एक वर्ड और भी दिया हुआ है, दैट इज. अब ये इज क्या है उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट वाले सेगमेंट पर चलेंगे, पर पहले उससे पहले हम एक थर्ड वाला जो सेंटेंस है उसे एक बार देख लेते हैं. यू गो टू द पार्क एवरी डे. तुम हर रोज पार्क जाते हो. ठीक है, तो अब क्या काम किया जा रहा है? जाने का काम किया जा रहा है. क्या काम किया जा रहा है? जाने का. सो व्हाट इज द वर्ब हियर? काम क्या है, एक्शन क्या है? गो, जाने का. तो डूइंग वर्ड या वर्ब जो है वो हो गई गो. लेकिन अगर आप ध्यान से देखें या बीच वाले सेंटेंस में, तो बेटा यहां बीच वाले सेंटेंस में इज और राइटिंग वर्ड है. राइटिंग तो लिखना है, लेकिन ये इज क्या है? तो ये इज होता है हेल्पिंग वर्ब. क्या होता है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब. तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसकी? जो हमारा ये वाला जो वर्ड था राइटिंग, ये इज जो है ये इसकी मदद कर रहा है. वर्ब्स सच एज एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैव एटसेट्रा आर यूज्ड विद अदर ऑर्डिनरी और मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस. क्या फॉर्म करते हैं ये? सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं अलग अलग टेंसेस में. ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये वाली वर्ब्स जो हैं, ये आपने अक्सर सुनी भी होंगी, है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, हैज, हैव, हैड, मे, माइट, ये सारी की सारी जो है ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब. अब देखो कैसे मदद कर रही है. यहां पर सेंटेंस देखो, अनु इज नॉट प्लेइंग विद मी. अनु मेरे साथ नहीं खेल रही है. तो प्ले तो हो गया हमारा मेन वर्ब, और उसकी मदद कौन कर रहा है? उसकी मदद कर रहा है ये शब्द जो कि है इज. तो यहां पर इज क्या हो गया बच्चों? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब. अब देखो नेक्स्ट वाला, दे हैव वर्कड फॉर एन आवर. आवर मतलब घंटा, एक घंटे से उन्होंने काम किया है. तो वर्कड तो हो गई हमारा काम किया, ठीक है, और उसकी हेल्प कौन सा वर्ब कर रहा है? उसकी हेल्प कर रहा है ये हैव. तो इन सेंटेंसेस में ये जो इज है और यहां पर जो हैव है वो क्या है? बिल्कुल ठीक, हेल्पिंग वर्ब. तो समझ में आया हेल्पिंग वर्ब? एक्सीलेंट. और उसके बाद में क्या आ जाती है? उसके बाद में आ जाती है हमारी मेन वर्ब. ये मेन वर्ब जिसे आप बचपन से ही क्या कहते आ रहे हैं? एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स, या फिर अब आपको समझ में आ गया है कि उनको क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं. और हिंदी में उन्हें क्या कहते थे? क्रिया कहते हैं. अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, ऑल द वर्ब्स विच एक्सप्रेस एक्शन आर द
मेन वर्ब्स, कोई भी वर्ब जो कि किसी एक्शन को, किसी काम को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई भी काम हो सकता है, देखने का हो सकता है। अब देखो यहाँ कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए, ये सारे के सारे क्या हैं, वर्ब्स हैं, ये किसी एक एक्शन को डिनोट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए प्ले, प्ले का क्या मतलब है, प्ले करके दिखाओ, यस, तो खेल सकते हो ना। रीड, पढ़ सकते हो, पढ़ना। राइट, लिखना। वॉच, देखना। शो, दिखाना। कुक, खाना बनाना। स्टार्ट, शुरू करना। स्लीप, सो जाना। रन, भागना। क्राई, रोना। वीप, भी हल्का हल्का जो रोना होता है। स्माइल, स्माइल जो करते हो आप, प्यारी सी मुस्कान। लाफ, हंसना। गो, जाना। वॉक, वॉक करना, पैदल चलना। और कम का मतलब आना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे मेन वर्ब्स हैं जो कि किसी ना किसी एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्लियर हो गई बात, एक हो गए मेन वर्ब, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर क्या दे रखा है, यहां दे रखा है द थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब की क्या होती है बच्चों, तीन फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है प्रेजेंट टेंस की फॉर्म, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। दूसरी होती है पास्ट टेंस की, यानी कि जो पूर्व काल है आपका, जो बीत गया है, भूतकाल, उसमें सेकंड फॉर्म। और जो पास्ट पार्टिसिपल है, जो समय हो चुका है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वाली, थर्ड फॉर्म होती है। क्या पहली है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल हमारी थर्ड फॉर्म है। तो यहां पर देखो दे रखा है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फिर से फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि ये वाला एक जो है हमारा, एक ये वाला बॉक्स है समझने के लिए और एक हमारा बॉक्स ये वाला है समझने के लिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमारी कौन सी दे रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है एड, एड का मतलब जमा करना। तो इसमें ईडी लगाया तो बन गई सेकंड फॉर्म, ईडी लगा रहे हैं यहाँ भी ईडी, तो क्या बन गया, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई। एड, एडेड, एडेड। बोर, बोर्ड, बोर्ड। बोर का मतलब क्या होता है कि मैं बोर हो गया है ना, मुझे उसमें किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो बोर हो गया। अब भाई क्लास में तो नहीं बोर हो रहे ना, बढ़िया। तो बोर, इसमें हम ई पहले से लगा हुआ है तो इसमें क्या लगा रहे हैं, सिर्फ डी लगा रहे हैं, इसमें भी डी लगा रहे हैं, बोर, बोर्ड, बोर्ड। उसके बाद आते हैं कॉल, कॉल का मतलब बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड। ईडी लगाया, ईडी लगाया, क्या बन गई, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन गई। फिर है प्रिपेयर, किसी चीज को तैयार करना, बनाना, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। इसमें ई पहले से लगा हुआ है तो हमने क्या लगाया, सिर्फ डी लगाया। इसके बाद है कैंसिल, किसी चीज को कैंसिल कर देते हैं ना, टिकट्स बुक कराते हैं फिर उसके बाद में कैंसिल कर देते हैं, कोई कारण हो गया तो कैंसिल कर दी। उसके बाद में यहां पर भी, यहां पे एल है तो इसमें क्या लगा है, कैंसिल्ड जब हम करते हैं तो यहां हो जाता है डबल एल, एक सिंगल था फिर हो गया डबल एल ई डी, डबल एल ई डी, कैंसिल, कैंसिल्ड, कैंसिल्ड। वॉक, पैदल चलना, वॉक्ड, फॉग्ड। फिर यहां पे फर्स्ट फॉर्म आ गई कीप, रखना, कीप, कैप्ट, कैप्ट। फिर आ गया लीव, छोड़ देना किसी चीज को, है ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। जैसे वो तो यहां से जा चुका है, ही हैड लेफ्ट दिस प्लेस। ठीक है, बी, बी की क्या फॉर्म होती है, बी की फॉर्म होती है वॉज, वॉज आता है सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ में। फिर आ जाता है बीन, इसका यूसेज भी हम सीखेंगे। बिगिन मतलब शुरू करना, बिगैन, बिगन। सिर्फ देखो यहां पे जी आई एन है, जी ए एन है पीछे और जी यू एन, बिगिन, बिगैन, बिगन। Do, did, done. तो ये हो गई हमारी सारी की सारी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। तो इन्हें आपने याद भी कर लेना है और अच्छे से समझ भी लेना है, और थोड़ी सी और फॉर्म्स जब जब आपको दिमाग में आती जाए उनको भी नोट करते चलें ताकि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं हो। और तो आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं यहाँ पे पास्ट टेंस। तो चलिए आगे बढ़े, अब हम करने वाले हैं यहाँ पे पास्ट टेंस। जैसा कि मैंने अभी बताया, पास्ट का क्या मतलब होता है, जो समय बीत चुका है, जिसे आप हिंदी में कई बार क्या कह देती हैं, भूतकाल, जो समय बीत चुका है। तो बच्चों उसमें तीन तरह के आपको मालूम है सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसमें नहीं नहीं होता, नो मतलब नहीं वाला सेंटेंस नहीं है और ना ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हो गए सिंपल वाले एफर्मेटिव सेंटेंसेस। फिर आ जाते हैं हमारे सेकंड तरह के नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नो होता है, नहीं का उसके अंदर, जैसे मैं स्कूल नहीं जा रही, मैंने काम नहीं किया, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो नहीं वाले सेंटेंसेस नेगेटिव। फिर तीसरे तरह के सेंटेंस होते हैं इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं इंटेरोगेटिव। अब तीनों के अलग अलग रूल्स हैं। पहला वाला देखिए यहां पर क्या है, इसको समझिए पहले। द सिंपल पास्ट टेंस
is used to express an action completed in the past. ये किस लिए यूज किया जाता है? सिंपल पास्ट टेंस, पहला इसका टेंस है. इसके चार तरह के टेंस होते हैं, उसमें जो सबसे पहला वाला है ना बच्चों, वो है सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो भी हमारा काम हो रहा है वो पास्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुका है. ठीक है, तो जब भी कोई काम पास्ट में खत्म हो चुका है, जैसे मैंने खाना खा लिया, ऐसा तो नहीं है ना अभी भी खा रहे हो, नहीं, मैं खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो क्या आ गया इसके अंदर, ये हो गया सिंपल पास्ट का. ठीक है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे आई है, ही है, सुरेश है, वी है, आई है, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है. उसके बाद में वर्ब जो भी हमने ऊपर देखी ना, उसकी कौन सी फॉर्म लगाओगे? इसमें लगेगी सेकेंड फॉर्म. और पीछे का जो भी सेंटेंस है वो हो गया ऑब्जेक्ट, वो पीछे का पीछे लगा रहने दोगे. समझ आ गया? तो जैसे आई सॉ हिम, सी नहीं आया, कौन सी फॉर्म आई? सॉ, मैंने उसे देखा. अभी तो नहीं देख रहे ना, पास्ट में देखा था, तो मैंने उसे देखा, द सेकेंड फॉर्म. उसके बाद में आ जाता है बच्चों नेगेटिव. नेगेटिव का रूल देखो क्या है, यहां पे बहुत सिंपल रूल है. इसके अंदर आ जाता है सब्जेक्ट और उसके साथ में डिड नॉट, और वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म. कभी भी अगर आप सेंटेंस देखोगे ना, डिड बच्चों जहां भी लगा होगा ना, हमेशा वहां पे क्या, कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है डिड के साथ में. तो डिड नॉट लग गया फर्स्ट फॉर्म, और पीछे का जो भी सेंटेंस है ऑब्जेक्ट, वैसे का वैसे ही लग गया. अब देखो यहां पर जैसे दे रखा है, आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा. ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, वह मार्केट नहीं गया. ठीक है, तो डिड लग गया, नॉट लग गया, और साथ में फर्स्ट फॉर्म, सिंपल है ना. और तीसरा रूल आ जाता है बच्चों इंटरोगेटिव. जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं पास्ट में, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू हैव योर लंच, ठीक है, तो डिड पहले आ जाएगा, और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट है जिससे बात कर रहे हो वो, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे कि मैंने अभी बताया, डिड के साथ में क्या आती है? वर्ब की. हमेशा याद रखो, हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा? डिड ही गो टू द मार्केट, क्या वो मार्केट गया? तो ये हो गया हमारा प्रश्न. क्लियर हो गई बच्चों? अब देखो यहाँ क्या है, मेक सेंटेंसेज इन द सिंपल पास्ट टेंस. अब यही वाले जो तीन तरह के रूल हमने यहाँ पर सीखे हैं, उन्हीं रूल्स को यहाँ पर सेंटेंस को पहचान के आपने रूल को यूज कर देना है. क्लियर हो गई? अब देखो पहला वाला क्या है, आई डैश योर फादर येस्टरडे. अब आपको कौन सी फॉर्म यूज करनी है? सी की फॉर्म यूज करनी है. अब देखो, अगर ध्यान से देखो ना, यहाँ पे येस्टरडे लगा हुआ है. अभी तो एक आपको मालूम है कि पास्ट टेंस यूज करें, लेकिन जब सारे तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे तो कैसे पहचानोगे? येस्टरडे बता रहा है कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है. आई सी का क्या आ जाएगा यहाँ पे? सॉ योर फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी को कल देखा. तो सी की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म. क्या लिख देंगे यहाँ पे हम? बिल्कुल ठीक, हम लिख देंगे सॉ. ये आ गया सॉ, को थोड़ा सा कर देते हैं बड़ा, राइट. अब उसके बाद में आ जाता है हमारा सेकेंड वाला सेंटेंस. देखो सेकेंड क्या है, ही डैश नथिंग अबाउट योर प्लान्स से. अब से की क्या आ जाएगी? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. उसने तुम्हारे प्लान्स के बारे में कुछ नहीं कहा. ठीक है, से का क्या आ जाता है सेकेंड फॉर्म? सेड आ जाएगा. तो यहां पर हम लिख देंगे सेड. ये हो गया S A I D, सेड. ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, सुरेश बिष्ट डैश, अब लगाना है नॉट टीच हिंदी. सुरेश बिष्ट ने हिंदी नहीं पढ़ाई. ठीक है ना, आ ई ए अंत में जरूर आता है इसमें. अगर सेंटेंस खत्म होगा ना, तो सेंटेंस में आ ई और ए की मात्रा आ रही होगी लास्ट में. सुरेश बिष्ट ने हिंदी नहीं पढ़ाई, नॉट टीच. अब नॉट वाले में क्या रूल है? यहां पर देखो जल्दी से, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो इसके आगे क्या लगा देंगे? डिड नॉट टीच. बहुत बढ़िया. अब देखो लास्ट वाला फोर्थ जो सेंटेंस है वो क्या है हमारा, वी डैश स्टार्ट इन द मॉर्निंग. हमने मॉर्निंग में शुरुआत की, है ना, ई आ गया पीछे. स्टार्ट का क्या आ जाएगा? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी. क्यों? क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल वाला सेंटेंस है. तो हमने क्या लगा दिया यहां पे? हमने लगा दिया यहां पे स्टार्टेड. ये आ गया स्टार्टेड. ठीक है भाई, अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो क्या है. नेक्स्ट वाले में दे रखा है आई डैश नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड. मुझे तो एक शब्द भी समझ नहीं आया, नहीं आया. तो आई, उसके बाद में क्या रूल है? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो वही हम यहां पर लगा देंगे. ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? आई डिड नॉट
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड की अंडरस्टैंड ही रहेगी, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखो क्या है, नेक्स्ट वाले में दे रखा है सुशील डैश गो टू द मूवीज विद हिज फ्रेंड्स। सुशील अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज देखने गया, तो गो की क्या आ जाएगी, सेकेंड फॉर्म। गो की सेकेंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन, तो सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट। बिल्कुल ठीक, तो हम यहां पे लगा देंगे वेंट। ये फॉर्म्स देखो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है ना, धीरे धीरे फिर आपको माइंड में हमेशा के लिए आपके चली जाएंगी, तो आपको याद रहेगा कौन सी फॉर्म कौन सी है। उसके बाद में हमारा सेंटेंस है शी डैश ऑर्डर अ पिज्जा, उसने एक पिज्जा ऑर्डर किया, है ना, तो ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंपल रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म क्या हो गई, ऑर्डर्ड, क्या है, ऑर्डर्ड, तो हम यहां पर लगा देंगे ऑर्डर्ड, ये हो गया। अब देखो लास्ट वाला क्या है हमारा, एट्थ वाला है डैश यू डैश फॉर हिम फॉर टू आवर्स और वर्ब की फॉर्म है वेट, तो यहां पर इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है ये, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसका रूल क्या है, डिड, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले यहां पर क्या आएगा, बिल्कुल ठीक। अरे आप लोग तो समझ गए भाई, वेरी गुड। अब क्योंकि पहला शब्द है इसलिए हम डिड क्या करेंगे, डी कैपिटल करेंगे, डिड यू, और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक, फर्स्ट फॉर्म, सो डिड यू वेट, तो यहां पर आ गया डिड यू वेट फॉर हिम फॉर टू आवर्स, क्या तुमने दो घंटे से उसका इंतजार किया। सारे रूल्स आपने यहां पर अप्लाई कर लिए हैं और आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है, डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अगर अच्छा लगेगा कि एक कोई भी पास्ट का सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिखाएं, ठीक है, एफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटरोगेटिव, एनी सेंटेंस, ऑलराइट। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है, इसे अच्छे से समझिए और फिर कंप्लीट कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोज, बाय, टेक केयर।